खबर कृष्ण नगरी मथुरा से है, जहां नेशनल हाईवे के अकबरपुर पुल के समीप बीते दिनों अज्ञात बदमाशों ने हथियार के बल पर व्यापारी से बाइक समेत अन्य सामानों की लूट की थी। लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों के खिलाफ पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चला जा रहा विशेष अभियान में थाना छाता जनपद मथुरा पुलिस द्वारा बीती रात में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से विगत 5 अप्रैल में व्यापारी की लूटी गई कार बरामद हुई है। इन अभियुक्तों के नाम कल्लू लोहार, सनाफ नंदली, निवासी लेखी, थाना हसनपुर, जनपद पलवल एवं सरवन सनाफ रतिराम गुजर, निवासी टिकरी गुजर, थाना चांदहट, जनपद पलवल हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से व्यापारी की लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं एक तमंचा 12 बोर मैं कॉटेज बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के अन्य 4 साथियों की तलाश की जा रही है, उन्हें भी गिरफ्तार करके कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि लूटी गई बाइक पर कुछ बदमाश नौगांव पेट्रोल पंप के पास खड़े। सूचना के बाद कोतवाली इंचार्ज रवि त्यागी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिनको देखकर बदमाश भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दो बदमाशों को दबोच लिया और उनके कब्जे से बाइक समेत अन्य सामान बरामद किए। एसपी देहात श्रीचंद ने बताया कि पुलिस ने दो बदमाशों को दबोच लिया है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने व्यापारी से लूटी गई बाइक समेत अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही कर जेल भेज दिया है।